नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मोहम्मद अजीज साहब के साथ बहुत ही ज़्यादा धोखा हो रहा है। जब मोहम्मद अजीज साहब हमारे बीच थे तब भी मोहम्मद अजीज साहब के साथ धोखा हो रहे थे, और आज मोहम्मद अजीज साहब हमारे बीच नहीं हैं फिर भी उनके साथ धोखा हो रहा है। जब मोहम्मद अजीज साहब हमारे बीच थे तो उनके साथ बॉलीवुड ने धोखा किया, और जब मोहम्मद अजीज साहब का निधन हुआ तो बॉलीवुड के सभी लोगों ने उनके साथ धोखा किया। जी हाँ, इतने बड़े फनकार, एक सुरीली आवाज के जादूगर, इनके जैसे गाने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिनको बॉलीवुड ने इज्जत नहीं दी। और मुझे बहुत ही ज्यादा दुख तब हुआ जब मोहम्मद अजीज साहब का निधन हुआ, जिसमें बहुत ही कम लोग आए थे। इतने बड़े बड़े कलाकारों के लिए मोहम्मद अजीज साहब ने आवाज़ दी, लेकिन बहुत ही कम लोग उनके जनाजे पे आए। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और हद तब हुई जब मेरे कुछ दोस्तों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बताया कि कुछ ऐसे ऐसे मोहम्मद अजीज साहब के हिट गीत हैं जिन पे मोहम्मद अजीज साहब का नाम नहीं लिखा है, दूसरे सिंगर का नाम लिखा है। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो चलिए चलते हैं। जब आप अपने ब्राउजर से, चाहे क्रोम ब्राउजर हो या यूसी मिनी हो या ओपेरा मिनी हो, आप जो भी ब्राउजर चलाते हैं उस ब्राउजर से आप गूगल ओपन करते हैं और सर्च करते हैं 20 साल बाद का सॉन्ग हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, बस आप इतना लिख दीजिए। इतना लिख देने के बाद आप देखेंगे वहाँ पे सिंगर का नाम अनुराधा पंडवाल और उदित नारायण जी का नाम आएगा, वहाँ पे मोहम्मद अजीज साहब का नाम नहीं आएगा। और मोहम्मद अजीज साहब का एक और बहुत ही सुपरहिट गीत है फिल्म स्वर्ग। जी हाँ, गीत के बोल हैं ऐ मेरे दोस्त लौट के तू आजा। जी हाँ, ये सॉन्ग सुपर डुपर हिट है, और 20 साल बाद का भी सॉन्ग सुपर डुपर हिट है। मैंने ये भी लिख कर देखा और मेरे दोस्त लोग भी लिख कर देखे कि उस पर आप लिख दीजिएगा ऐ मेरे दोस्त लौट के तू आजा। बस इतना लिख देने के बाद वहाँ पे सिंगर का नाम आएगा, तो वहाँ पे देख लीजिए उदित नारायण लिखा है। जी हाँ, या तो गूगल बेवकूफ़ है या कंपनी वाले जो हैं वो बेवकूफ़ हैं जो इतने बड़े सिंगर को पहचानते नहीं और उस पे उदित नारायण जी का नाम लिखा है। सन 1990 की फिल्म पति पत्नी और तबायफ, इस फिल्म का एक बहुत ही बेहतरीन गीत था। गीत के बोल हैं कहना ना तुम ये किसी से। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं कहना ना तुम ये किसी से, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सलमा आगा और उदित नारायण जी का नाम लिखा है, जबकि ये गीत सलमा आगा और मोहम्मद अजीज साहब ने गाए हैं। तो उस गधे को अजीज साहब की आवाज़ ही पहचान नहीं है, या तो फिर उससे जलन मरते हैं या तो ये जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। और आइए आप देख लीजिए फिल्म आज का अर्जुन का सॉन्ग बहना वो बहना, देख लीजिए। इस फिल्म में भी बहना वो बहना सॉन्ग पे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति जी का नाम है। और हद तब हो गई फिल्म खुदा गवाह का सॉन्ग में भी उदित नारायण जी का नाम है, देख लीजिए। खुदा गवाह फिल्म का सॉन्ग सुपर डुपर हिट हुए थे, इसमें का सॉन्ग तू मुझे कबूल, इसमें भी सिंगर का नाम कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण जी है। अब मैं क्या बोलूँ उस गधे को, उनको अजीत साहब की आवाज़ पहचान नहीं है और उसमें हर जगह पर उदित नारायण जी का नाम लिखा है। और ऐसे बहुत से मोहम्मद अजीज साहब का सुपर हिट सॉन्ग है जिस पर उदित नारायण जी का नाम लिखा है, या तो जानबूझकर ये सब कर रहे हैं, या तो अजीत साहब से जलते हैं, या उस गधे को मोहम्मद अजीज साहब की आवाज़ की पहचान नहीं है, या ये सब कंपनी वाले कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं। लेकिन जैसा भी हो रहा है, मोहम्मद अजीज साहब के साथ बहुत ही ज़्यादा ज्यादती हो रहा है, धोखा हो रहा है। तो यही बताने के लिए दोस्तों मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो मोहम्मद अजीज साहब के साथ अन्याय कर रहे हैं। भले अजीत साहब जब जीवित थे तब ऐसा कर रहे थे चलता था, लेकिन क्या अजीत साहब हमारे बीच नहीं है फिर भी अजीत साहब के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है? मुझे तो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइए और उस बेवकूफ़ गधे को मुँह तोड़ जवाब दीजिए। बात अजीत साहब का ही नहीं है, चाहे कोई भी सिंगर हो, अगर सिंगर ये गीत गाए हैं और उसका हकदार दूसरे सिंगर को मिल रहे हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसके बारे में।